तो बस प्याज हमने कट कर लिया है, चलिए इसको हम चॉप कर लेते हैं। और टिकिया भी तैयार हो गई है, इसलिए चॉप हो चुका है और कितना अच्छा बारीक से हो गया है। इतना अगर हम बारीक कट करते तो भी नहीं अच्छे से होता। अभी जो इसको नहीं लिए हैं वो ऑनलाइन इसको फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से आप परिचित इसको आप ले सकते हो, परचेस कर सकते हो और बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे ये चॉप हो गया है, तो बस खीरा को भी कट कर लेते हैं। खाने की तैयारी भी हो गई है, मतलब पूरी हमको तलना है तो सोच रही हूँ किसकी तैयारी करती रहूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए खीरा भी कट हो गया है।